नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन 100 करोड़ पेड़ में। आज हमारे दोस्त सुकेत जी का शादी का सालगिरह है और हम लोगों ने ये आप डिवाइडर देख सकते हैं इंदिरापुरम का, यहाँ पे पेड़ नहीं है, इसको हम लोग पूरा पेड़ से ग्रीन करना चाहते हैं और गड्ढा हो रहा है और हमारी ये इंदिरापुरम की टीवी टीम पूरी आ चुकी है पूजा से देखने के लिए। मोहम्मद उमर जी धन्यवाद, मुकुल घोष जी धन्यवाद और आप लोग भी अपना बर्थडे शादी की सालगिरह धूमधाम से मनाइए और थोड़ा कुछ प्रकृति के लिए पेड़ भी लगाइए। और हमारी इंदिरापुरम की टीम जो कि सुकेत जी देख रहे हैं और पिछली बार आप लोगों ने देखा था कि हमने दूसरे डिवाइडर पे लगाया था, और ये सुकेत जी हैं। सुकेत जी कुछ मैसेज दीजिए अपने शादी के वर्षगांठ पे लोगों को कि लोग भी आप भी हाँ बोलिए बोलिए, दो थोड़ा सा बाइट दे दीजिए कुछ पर्यावरण के लिए। ये बहुत अच्छा है, एक हम फर्स्ट टाइम हम लोग अपनी मैरिज एनिवर्सरी पे प्लांटेशन कर रहे हैं और बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हम एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं। हम हमेशा पार्टी का सोचते हैं, हमेशा सोचते हैं कि फ्रेंड्स को बुला लो कहीं चले जाएं डिनर पे, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हम अपनी मॉर्निंग एनिवर्सरी पे इतना अच्छा सेलिब्रेशन कर रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं, ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं, एंड इट्स फील्स रियली गुड। थैंक यू। और देखिए लो, इंदिरापुरम के लोगों को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं हम। कुछ कोई भी गिफ्ट खत्म हो जाता है थोड़ी देर बाद, लेकिन ये पेड़ ऐसा गिफ्ट है कि हम जब तक जिंदा रहेंगे हमारे साथ रहेंगे। और हमारे साथ रनिंग ग्रुप भी है अनिल जी की, जो लोग दौड़ते हैं सुबह तो उनकी सांसों के लिए भी शुद्ध हवा चाहिए, नहीं तो अगर आप रनिंग करते हो अगर आपको शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलता है। और ये हमारे आर ओ छोटे सबसे टीम के सदस्य, हाय आर ओ बोलिए कुछ आप भी। तो हमें ऐसे ही करना चाहिए कि जैसे कि आपका बर्थडे आ गया, आपके किसी की भी एनिवर्सरी है तो उसमें प्लांटेशन बनाए, अगर कोई भी हर साल एक भी पेड़ लगाए तो जब तक आप जिएंगे तब तक बहुत सारे पेड़ लग चुके होंगे। हाँ, तो फिर मेरी आपसे यही अनुमति है कि आप पेड़ लगाएं और पर्यावरण को अच्छा बनाएं। देखिए आ रहा है और ये छोटी उम्र में पेड़ भी लगाते हैं, नेचर के साथ भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि इनका नंबर कम आता है। आप लोग जितना प्रकृति से जुड़ेंगे आपका आपको रिलैक्स मिलेगा और नेचर के साथ प्यार करेंगे तो आपका माइंड जो है डिप्रेस नहीं होंगे, पढ़ने से घबराएंगे नहीं, आपको एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस रहेगा अगर प्रकृति के साथ आप कुछ टाइम स्पेंड करते हैं तो। और देखिए सारे हम लोग जो पर्यावरण योद्धा मेहनत कर रहे हैं सबसे एक एक बाइट मैसेज लेंगे कुछ। सर आप भी कुछ सुझाव दीजिए लोगों को कि क्या क्या किया जाए अपने बर्थडे पे, शादी की सालगिरह पे, और कैसे पर्यावरण को जो दिल्ली का प्रदूषण जाड़े में बहुत लेवल बढ़ जाता है उसको कैसे कम किया जाए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगा कर हमें करना लगाना चाहिए ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए और पॉल्यूशन से उसके लिए। और देखिए ये लोग हम आगे मेहनत कर रहे हैं, हम लोग की यही ताकत है, हम लोग और जोश आता है और हम हर संडे सैटरडे चाहते हैं ऐसे पब्लिक ऐसे लोग जुड़े हम लोग के साथ। और हमारी जो पेड़ लगाने की इच्छा है उसको ये बढ़ाते जाएं। अब ये लोग सब लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं अपना काम वीडियो बनाने का कर रहा हूँ, वैसे गड्ढा आज कर दिया मैंने। और ये हमारे अनिल जी हैं, दौड़ते हैं, इनकी टीम रनिंग करती है, अभी कुछ थोड़ा थोड़ा बाइट सब दे रहे हैं और पेड़ लगा रहे हैं संडे को, तो दौड़ रहे हैं तो सांस भी चाहिए अच्छा, नहीं तो पोल्यूशन वातावरण में दौड़ेंगे तो हमें बीमारी भी होगी, इसीलिए पेड़ लगा के रनिंग के साथ फिट के साथ ट्री भी करें। सर कुछ मैसेज दीजिए। सर अनिल जी कुछ बाइट दीजिए। बस दौड़ते रहिए और पौधे लगाते रहिए। और देखिए कल रात को 1 बजे इनका पोस्ट आया था, हम लोग तो इनसे और भी युवा हैं लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि 20 किलोमीटर दौड़ के और 100 किलोमीटर साइकिल चला के और फिर 2 किलोमीटर स्विमिंग और
मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि हम लोग नहीं करते, लेकिन करने वाले जो रेगुलर करते हैं और रोज 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जो होता है। मैडम और 21 किलोमीटर तक दौड़ती है। अरे बाप रे, बड़े बड़े योद्धा यहाँ पे आए हुए हैं। और मैम है, देखिए आज भी हमारे टीम के साथ एनवायरमेंट के साथ पेड़ लगा रही हैं। क्या नाम है मैम आपका? सविता ठाकुर, अनिल जी से इंस्पायर्ड और कंसिस्टेंटली करते हैं कि मैंने भी सोचा आज जाके देखा जाए। आप देख कर अनुमान लगाइए, ये लोग 21 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, हम लोग को 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर में सांस फूलने लगता है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम भी बढ़ाए रनिंग करके और फिट। 15 हो गए, कितने हो गए गड्ढे? 4 गिना आपने और हम चाहेंगे कि सबसे थोड़ा थोड़ा सुझाव लिया जाए, थोड़ी सी बाइट ली जाए कि सबके दिमाग में थोड़ा थोड़ा कुछ इन्वायरमेंट करने के लिए होता है, हर कोई अपना एडवाइस देगा तो हमें कुछ जानकारी होगी, फिर हम आगे करेंगे। और बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ की टीम जो इंद्रापुरम की है बहुत ही जागरूक है और हम लोग के बुलावे पे ये लोग आलस नहीं करते हैं, सुबह पहुँच जाते हैं प्लांटेशन के लिए, इसीलिए हम लोग को यहाँ मज़ा आ रहा है प्लांट करने के लिए। और जब सब आप लोग के साथ जुड़ते हैं, कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो जंजीर बनता है। तो ऐसे ही आप अपने जन्मदिन पे, अपने शादी के सालगिरह पे और जो भी आपकी खुशी, आपके प्रिय के जो भी आपके खुशी का मौका मिलता है, पेड़ लगाइए, पेड़ लगाने का बहाना ढूंढिए। और ये राजीव जी जो कि हमेशा की तरह मेहनत एनर्जी, कहीं भी प्लांटेशन की बात होती है ये पूरा प्लानिंग करते हैं कहाँ कहाँ प्लांट लगाना है, क्या करना है। और मैं तो थोड़ा आलसी हूँ, उठने जाने में थोड़ी होती है, लेकिन ये कहते हैं आ जाइए तो हम भी निकल जाते हैं इनके साथ। और राजीव जी से भी थोड़ा सा, ये अजीत जी का कॉल आ रहा है। और ये हमारे अजीत जी भी आ गए जो कि वैशाली में रहते हैं और बहुत दिनों से बातचीत हो रही थी, मुलाकात नहीं हो रही थी, तो आज हम लोग इंद्रापुरम में आए इनके एरिया में। ये भी पर्यावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो दिल्ली में बहुत से, बेटा आपका क्या नाम है, आप भी आओ, आरना, अच्छा अच्छा आप बताओ, पेड़ लगाना अच्छा लगता है? हाँ। नेचर को आप प्यार करते हो? हाँ। तो ये पोल्यूशन हो रही है आजकल इंद्रापुरम गाजियाबाद में, तो आप कैसा, मतलब आपके मन में क्या आता है कि क्या किया जाए? जितना हो सके उतने ट्रीज प्लांट करो और पॉल्यूशन जितना हो सके उतना कम करो। देखिए बेटा, ये बच्चे हमारे फ्यूचर हैं, आने वाली पीढ़ी है। और आप भी, आपका बर्थडे कब पड़ता है? मैं 27 फरवरी। हाँ, इनका निकल गया है वो, आप पापा थे आपके? हाँ, ये अपने पापा के साथ आई हैं और सब लोग अपने बच्चों को अपने साथ लाए क्योंकि ये आने वाली जनरेशन है, ये सीखेंगे, इनको इंटरेस्ट आएगा। और ये देखिए पास में शायद चीकू का पेड़ है और हम चाहते हैं कि हम लोग पेड़ों के बारे में लोगों को बताते हैं कि आप लोग तरह तरह के पेड़ लगाइए अपने आसपास कि हम अपने आने वाले बच्चों को बता सकें कि कौन कौन से पेड़ है। आजकल पीपल, नीम, बरगद, ये भी पेड़ अच्छे हैं, लेकिन कई पेड़ विलुप्त हो गए हैं। तो जो जो आप लोग अपने शहर में हैं तरह तरह के पेड़ लगाइए, जैसे और ये हमारे सर पिछली बार भी आए थे, क्या नाम है सर आपका? अंशुल जी। हाँ, नाम मुझे थोड़ा याद नहीं रहता। और ये भी जुड़े हैं, बहुत मेहनती हैं और ये रनिंग भी करने वाले हैं, हमारे अनिल जी के साथ जुड़ने वाले हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, दौड़ना चाहिए। अभी तो मैं भी खूब शुरू किया हूँ, 1 किलोमीटर दौड़ ले रहा हूँ 10 मिनट में और धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा, 20-20 किलोमीटर में दौड़ने वाले लोग। तो फिट इंडिया, ग्रीन इंडिया और क्लीन इंडिया, तो हमारा मैसेज यही है कि आप खुद फिट रहिए, दौड़िए और पेड़ लगाइए, उससे थोड़ी आपकी बॉडी सही रहेगी और उसके साथ पेड़ भी लगाइए कि दौड़ेंगे तो आप लोग रनिंग करेंगे तो शुद्ध ऑक्सीजन मिलेंगे। तो और कुछ मैसेज दीजिए अंशुल जी, क्या क्या दिमाग में आता है, कैसे पर्यावरण को सही किया जा सकता है, क्योंकि विचार सब लोग बताएंगे तो सबको मालूम होगा, तो कुछ ना कुछ करेंगे प्रकृति के लिए। चीज़ें लास्ट टाइम जब जुड़ा था तब तो सच को जितना वो था नहीं, बट इस बार जिस जगह पर हम पेड़ लगा रहे हैं वहाँ की हालत देख के ऐसा लग रहा है कि अगर पेड़ नहीं लगे तो आने वाला टाइम पे दिक्कत होगी सबको,
नहीं नहीं आप कभी रोड पे निकलते हो दिल्ली उल्ली कहीं ग्रीनरी नहीं देखते हो सीमेंटेड देखते हो तो मन में होता होगा कि यहाँ पे हरियाली होती या फूल होता या फल होता तो अच्छा लगता है, या आप कभी गांव में जाते होगे या पहाड़ी हिल्स एरिया में जाते होगे तो होता होगा कि यहाँ पे पेड़ होना चाहिए। बिल्कुल, वो सारी चीज़ें तो फ़र्क पैदा करती हैं, हमारी लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाती है, हमारी जिस तरीके से जब हमको फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है और हम पहाड़ों पे क्यों जाते हैं फ्रेश ऑक्सीजन लेने, और हम यहाँ पर जब चीज़ें देखते हैं कि हमको फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिल रही, सारी चीज़ें नहीं मिल रही है, तो हमारी लाइफ स्टाइल में ही ऑटोमेटिकली चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए हमको ये सब चीज़ें करनी ज़रूरी है। और देखिए इसके आसपास कितने पीपल हैं, और पहले किसी ने लगाया तो इसलिए शुद्ध हवा, ये ऑक्सीजन 24 घंटे पीपल देते हैं, पीपल की खूबी है, इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं फाइकस के जितने पेड़ हैं, गुलर हुआ, पीपल हुआ, पिलखन हुआ, इनको लगाया जाए, इनकी उम्र लंबी होती है 500 साल और ये हमें शुद्ध हवा देते हैं। तो बहुत बहुत बढ़िया अंशुल जी हमारे साथ जुड़िए, मज़ा आ रहा है, आप हर संडे आ रहे हैं और संडे की छुट्टी पेड़ लगा के अपने मन को संतोष मिलता है कि हम कुछ अच्छा काम किए हैं आज, और सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, फिर करते हैं आपसे बात। कुछ लोग आए हमारे साथ प्लांटेशन, उनसे मिल लिया जाए।